स्टार्ट करो। सॉरी अंकल आप ही आ जा रहा था, हम लोग भी टीम में खेलने आएंगे तो स्ट्रीम बंद कर तो सभी लोग जो है क्या बोलते हैं। चलो अंकल बाय बाय, सभी लोग माइक बंद कर लो, सभी लोग माइक बंद कर लो। मैं स्टॉप लग हाय अरसलान, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी तो सबसे पहले सभी भाई बंधुओं को नमस्कार, आपका स्वागत है पबजी के घनघोर युद्ध में फिर से। तो आज हम जो है ले जा रहे हैं आपको बर्फीली फिजाओं में, सर्दियों का मौसम एकदम बहुत गर्मी हो रही है तो हमने कहा थोड़ा सा आपको बर्फीली मौसम में ले चलें। तो ये देखिए लूजर टॉप अपने जाबाज डांस को दिखाते हुए, साइको सेनोरिटा दोनों एक दूसरे को फाइट करते हुए, तुम्हारे बाल मेरे बाल से काले कैसे। रोशन कुमार नमस्ते अंकल जी, नमस्ते रोशन जी, कैसे हैं आप। और ये रही बर्फीली जगह, मैं सीरियसली बताऊं आज तक मैं किसी बर्फीली जगह पे नहीं गया हूँ, मेरी इच्छा है। अब देखो वो इच्छाएं कब पूरी होती है, मैं भी चाहता हूँ कि बर्फ वाली जगह पे जाऊँ, गोला बनाऊँ, मार कूट कटाई करूँ। बस अंकल जी और आप, बस मैं भी जो है क्या बोलते हैं ठंडक लग रही है, देख लो कितना बर्फीली जगह। तो फैंटम कभी आप गए हैं ऐसे बर्फीली जगह पे। नहीं अंकल अभी तक तो नहीं। और अंकल फैंटम भी नहीं गए। बढ़िया, अरे प्लान था जाने का लेकिन लॉकडाउन लग गया। अरे भाई प्लान था जाने का, लॉकडाउन लग गया, हम एक बार मिस कर गए। हम गए थे वहाँ पे, अरे नैनीताल गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा दिन अगर हफ्ते भर का गैप होता तो वहाँ पे बहुत ही जोरदार बर्फ गिरी थी, लेकिन हम मिस कर गए। तो पेस्कोवा से लेके जो क्या बोलते हैं डोब्रो तक ये प्लेन चला है और लोगों ने वी शेप बनाया है, ज़्यादातर लोगों ने लेफ्ट साइड को मूवमेंट करी है और आखिरी में बहुत लोग उतरे हैं। तो कटाजुज मोवेट्रा की तरफ लाइन वाइज उतरे हैं एकदम जो है क्या बोलते हैं घमासान होने को है, ऐसा लग रहा है आधे बंदे वही जा। ये शादी है, किसी की बारात आई है कि सारी की टीम, सारी की सारी टीम एक ही जगह पे, पांच छह टीमें एक ही जगह पे लगातार। जो लोग देख रहे होंगे इस समय जो है क्या बोलते हैं नीचे उतर रहे हैं वो भी कह रहे होंगे भाई सब यहीं क्यों आ गए, अलग अलग जाओ। लेकिन क्या करें, अब तो पैराशूट खुल गया है, उतरना तो पड़ेगा ही। तो जिसके हाथ में पहले गन होगी वही होगा यहाँ का जो है क्या बोलते हैं सूरवीर, वही जो है यहाँ पे एक छत्र राज करेगा। तो टीम नंबर 19 और टीम नंबर 16 एक दूसरे के बहुत ही पास है। और ये देखिए जैसा कि मैंने बोला था, जिसके पास हाथ में होगी गन वही यहाँ पे सूरवीर होगा। हाँ तो बहुत जल्दी जल्दी पेटियां बन कर लॉबी में जाने वाले हैं। ये देखो शुरुआती दौर पे जो क्या बोलते मतलब यहाँ पे फैंटम को पेटी बनने का बहुत खुशी होता है, ये चाहती है कि सब लोग उतरते ही पेटी बन जाए, लेकिन इसकी बात पे ध्यान ना दीजिएगा। जैसे इसने पेटी बोला वैसे देखो, जैसे इसने पेटी बोला सार्क सेनू को नजर लगाई है फैंटम ने और सार्क सेनू पेटी बन गया। और एमसीयू वेनम भी नॉक हुए, एमसीयू वेनम ये भी नॉक हुए, तो दिली इच्छा पूरी हो रही है। के टीम के एक बंदा नॉक और एक लॉबी में चले गए हैं, अब देखते हैं कि और कौन कौन जाता है। अरे बैकग्राउंड में आपके नमाज तो नहीं हो रही है। हाँ अंकल माइक बंद करे आवाज। हाँ नमाज हो गई तो माइक बंद कर दीजिएगा। तो वेनम जो है क्या बोलते अपने दोस्त के पास जा रहे हैं कि बचाओ मेरे को। नूब असैसिन दरवाज़ा खोलेंगे, कहेंगे भाई अंदर आ जा तू, मैं बचाता हूँ तेरे को। और नूब असैसिन ने जो है क्या बोलते अपनी टीम को बचा दिया। ये सारे कपड़े पहने हैं लेकिन इसलिए नहीं दिख रहे हैं कपड़े पहने हुए क्योंकि मैंने वो पैक नहीं डाउनलोड किया, उस पैक को डाउनलोड करने के कारण मेरे को इशू आ गया था, ग्लिच आया था। तो यहाँ पर मिस्टर फ्रॉड
अरे फ्रॉड से ये एक चीज़ याद आया, कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा था फ्रॉडिया टाइप का, ठीक है ये खरीद लो वो खरीद लो, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। कृपया करके ऐसे मैसेजों से दूर रहें, ये केवल आपका पैसे का नुकसान करेंगे और कुछ नहीं। और ग्रुप में मेरी नज़र थी तो दो लोगों ने शैतानी करी थी आज, तो मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया करके ऐसे शैतानियाँ मत करें। और ऐसे आप बताएं, एक परिवार हो और परिवार में जो है ऐसे शैतानी नहीं करते हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। एक दूसरे को एकदम मतलब गुदगुदी लगाइए, तो गुदगुदी इतनी मत लगाइए कि जो क्या बोलते हैं सामने वाले को मजा ना आए। गाली गलौज मत करिए, ये रिक्वेस्ट है हमारी, वरना हम बाहर करेंगे। आज केवल बैन करा है, एक एक दिन के लिए बैन करवाया है, लेकिन हम अगली बार दूसरी स्टाइल में हम बाहर कर देंगे। तो मिस्टर फ्रॉड यहाँ पे अभी कुछ निशान नहीं लग रहा है। हे परमिला वर्मा, सूरज यादव, यस अरबाज को दिखाओ, टीम नंबर बताइए, टीम नंबर से दिखाएंगे। अभी यहाँ पे कहीं भी फाइट नहीं हो रही, कटा जुज है, एक दूसरे के बहुत ही समीप है। जिनकी कोई टीम होगी वो बताइएगा। अटल मिनी बहुत ही दूर, एक थोड़ा सा जो है ऊपरी नज़ारा देखते हैं। अंकल मोहित दिखाओ, अंकल मोहित कहाँ पे है पहले दिखाओ, अंकल मोहित है कहाँ पे, कौन सी टीम में अंकल मोहित, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। अंकल टीम 18 और टीम 4 आमने सामने है, फाइट चालू होने के चांस। अभी टीम 10 और टीम 19 को देख रहा हूँ, जिसमें एमआरएस निगराज, एमआरएस निगराज अभी अभी नॉक हुए, सामने एमआरएस की टीम है, तो एमआरएस वर्सेस एमआरएस हुआ। लूजर टॉम ये भी निकल लिए, तो यहाँ पर जो है लूजर टॉम की टीम जो है क्या बोलते हैं बहुत ही आराम से इस पर विजय पाया है एमआरएस की टीम ने। प्लस रोहित लूट के लिए अग्रसित। तो फैंटम कहाँ बता रहे थे फाइट कहाँ हो रही है, टीम 18 और टीम 4 में, टीम 18 और टीम 4 में। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि टीम 18 और टीम 4 में कटा युद्ध चल रहा है, अजीम से एक यूजी लेके और खान, और खान एजाज शेख। हाँ सेनोरिटा को दिखाना है, सेनोरिटा का भाई, सेनोरिटा का नंबर बताओ, अभी सेनोरिटा को जो है ख़त्म करवाते हैं। अभी मैं अपनी पनौती सेनोरिटा पे लगाऊंगा और सेनोरिटा को ख़त्म कराऊंगा। कहाँ है सेनोरिटा, टीम नंबर बताओ जल्दी से जल्दी बताओ। टीम एमआरएक्स ने टीम 18 को ख़त्म कर दिया, लूजर टॉम बॉय। टीम 18 तो यहाँ पे है ना बच्चा, टीम 18 यहाँ पे है, टीम नंबर 4 के सामने। नहीं नहीं टीम 10 ने, एमआरएक्स जो थे ना टीम 10 या 5 चल रही थी डीनो पार्क। हाँ सेनोरिटा को दिखाओ, मोहित सेनोरिटा को देखना चाहते हैं। एक्चुअली रीजन क्या है कि मोहित को सेनोरिटा नहीं मारा था पिछले बार, 24 में है सेनोरिटा रॉकर, ठीक है। कल हमें पता चला हमसे भी बड़ी पनौती जो है क्या बोलते हैं ये फैंटम है, जिसका नाम ले लेती है ना वो उसको भगवान ही मिल जाते, भगवान के दर्शन होते हैं। लॉबी में गए, टीम नंबर 24 की बात कर रहे हैं कि टीम नंबर 24 में सेनोरिटा है, तो चलो देखते हैं सेनोरिटा कहाँ पे है। टीम नंबर 24 में नहीं है, टीम नंबर 20 में भी नहीं, 22 में है वो, 22 में है सेनोरिटा। तो सेनोरिटा यहाँ पे, ये तो सेनोरिटा अकेले घूम रही है, इसके आसपास तो कोई नहीं है, तो अभी इस पे मनुष्यत काम नहीं करेगी। टीम नंबर 20 की रिक्वेस्ट, टीम 11 भी आगे बढ़ रही है उनके साथ, टीम नंबर 20 की रिक्वेस्ट आई है। टीम नंबर 20 में तबाही, तबाही तुम गाड़ी के साथ क्या कर रहे हो, और ये टीम नंबर 20 तबाही और MRTVAK रिक्रिक कैसे है मेरे भाई। आयरन स्कल टीम 10 को दिखाओ अंकल, आयरन स्कल ऑक्टा टीम 10 की रिक्वेस्ट। तो टीम 10 को भी मैंने दिखाया था, फिर से टीम 10 की रिक्वेस्ट आई है। प्लस रोहित FMS निंजा OP FMS और बॉन्ड टू क्विल और MRX, MRX की टीम है आशीष भैया। हाँ आशीष, टीम नंबर 24 यहाँ पर फाइट। MCU वेनम, MCU वेनम ने डब्बा बनाया, 21 में भी डब्बा बना दिया इन्होंने, RBG
चार लोगों को डब्बा बनाया, कौन सी टीम है जिनको इन्होंने अभी भी खत्म करा? अंकल आरबीजी में फाइट हो रही, टीम 21 में, टीम 21 में, टीम 20 में आरबीजी के दो बंदे लॉक हैं और एक बंदे लॉक हैं। रविंदर की टीम जो है इस सीजन की सबसे अच्छी टीम में से थी, लेकिन रविंदर की टीम की हालत कैसे हो गई? कौन है वो जो सूरवीर जो रविंदर को टक्कर दे रहा है? तो टीम नंबर 20 है जिन्होंने जो है क्या बोलते हैं रविंदर को तबाही ने एकदम तबाही मचाई, तबाही को भी देखा था। 18 वॉचिंग है बट कोई लाइक नहीं किया। अरे गलत बात है ये, लाइक तो करो, लाइक करने के पैसे थोड़ी लगते हैं। वो नीचे बटन है उसको तोड़ो फोड़ो। और रविंदर को नहीं बचा पाएंगे, किसी कीमत में नहीं बचा पाएंगे। तो RVGS अपने दोस्त की तरफ, मतलब देखा आपने कितना मुड़ के उन्होंने अपनी दोस्त की तरफ देखा और उसका वो दोस्त भी चला गया। मैं पनौती फिर से साबित हुआ, नहीं जी आप नहीं थे। टीम में चली गई। थैंक यू आसिम खान। और इसी के साथ जो के बोलते धीरे धीरे पनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं, टीम नंबर 22 अंदर आए ताकि मैं अपनी पूरी पनौती उसके ऊपर लगाऊं, लेकिन अभी है नहीं। सार्क राहुल, सार्क राहुल अभी नॉक है। ये देखिए मनुष्यत, मेरी मनुष्यत देख लो, गजब की मनुष्यत चल रही है। MRS लाला भी चले गए, मैंने MRS लाला की टीम को भी सफा किया और सार्क की टीम को भी सफा किया। मैं जिसको देख लूं वो खत्म, उसको भगवान के दर्शन होते हैं सीधे से, वायुयान आता ऊपर से। क्या है लूजर टीम से, लूजर टीम महेश जी, लूजर टीम जा चुकी है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, लूजर टीम जा चुकी है। मेरी फाइट चालू है कृष्णा भैया की और गब्बर भैया की टीम। कितने नंबर पे? इसमें से गब्बर भैया नॉक हो गए, टीम 15 और 14, टीम नंबर 15 और 14, 9 भी वही है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की टीम आई है, स्पोर्ट्स की टीम जो है क्या बोलते हैं फाइट कर रही है। अच्छा झूठा था वैसे कहते आसिम खान। ए आर लोन वुल्फ की टीम सामने है। AR पापा जी जिंदा बचे हैं, AR पापा जी यहाँ पे लेटे होंगे, उनको घास में लेटना बहुत पसंद है, पिछले जन्म में शायद घड़ियाल उड़ियाल होंगे वो। और गब्बर को, गब्बर के पीछे रॉक पड़ा हुआ। कृष्णा भैया भी नॉक, टीम नंबर 9 का भी नॉक। और इसके साथ गब्बर का कोई नहीं बचा पाया, स्टार्ट हो गया। अरे यार मैं अपनी टीम के लिए पनौती साबित हो गया, मैंने देखा अपनी टीम को, मेरी टीम मर गई, ये तो गलत बात है। मुझे अपनी टीम पे पनौती नहीं होना चाहिए, क्यों फैंटम? मैं अंकल कर, आपने भी मेरे से लगवाई थी। और इसी के साथ जो क्या बोलते हैं बदला ले चीटिंग। और यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक एक किल खाते हुए लोन वुल्फ अपनी टीम को बचाने के लिए, और ये गोल गोल चक्कर, गोल गोल चक्कर कितना कितना पानी खेल रहे हैं ये दोनों। गोल गोल चक्कर कितना कितना पानी दोनों खेलने पे जुटे, लेकिन अब गेम खत्म होगा क्योंकि गोल गोल चक्कर के चक्कर में कितना कितना पानी खत्म हो गया दोनों का और दोनों नाश हो गए। टीम नंबर 9 चली गई वापस। एक्सपोज रॉकी, एक्सपोज रॉकी को बचा लिया उनकी टीम ने, सर्किल बहुत ही पास है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये गेम होता था गोल गोल चक्कर कितना कितना पानी करके, एक गेम होता था मैंने देखा था लोग खेलते थे। हां अंकल मैंने भी देखा था बचपन। ये झूठ बोल रही, इसने खेला भी होगा। हाँ खेला है खेल। तो यहाँ पे जो क्या बोलते तीन टीमें, एक MRS बंटाई, MRS बंटाई से बहुत दिन से बात नहीं हुई, MRS बंटाई की टीम यहाँ पे है। अंकल टीम नंबर 7 का एक बंदा जोन के बहुत दूर है, जोन के क्या कर रहा है वो शायद जो क्या डिस्कनेक्ट हो गया है। और टेरर डे कोई भी जो है क्या बोलते हैं माफ़ी नहीं देना चाहते बंटाई को, बंटाई। और ये बहुत ही अच्छा शॉट था, 50% हेल्थ खा गए टेरर डे की बंटाई, बेहतरीन शॉट। सामने वाली टीम ने कुछ नहीं कर पाए और इन्होंने दवाई ली, नशा कर लिया इन्होंने, अब नशा करके मारेंगे फिर से TPP लेते हुए। अभी देखते हैं, अभी कोई फ्लैट चली है अंकल, फिर चली है टीम नंबर 17 नंबर टीम के पास बहुत ही ज़्यादा गर्दी है। हाँ गर्दी थी तो गर्दी है। और इसी के साथ आरिफ भाई ये जो है क्या बोलते हैं नुकसान में, इसको थोड़ा सा एरियल वे से देखते हैं, यहाँ पर रिप की टीम को नुकसान।
और रिप की टीम को खा गए यहाँ पर, और रिप की टीम को पूरा खा गए। जो पहले रिप की टीम को देखा, रिप की टीम निकल गई। तो मनहूसियत और जो है पनौती मेरी अभी तक कंटिन्यू है। टीम नंबर 22, और ये रही सेनोरिटा की टीम। मैं अपना पूरा प्रकोप यहाँ पे डालने वाला हूँ। अक्कू, बाहुबली राउंड होगा क्या अंकल? हाँ, बाहुबली राउंड होगा, इसके बाद एक राउंड और होगा, बाहुबली राउंड। हो सेनोरिटा एंड टीम ऑफ वैभव देसाई। लेकिन आज जो है क्या बोलते हैं वैभव, तुम्हारी सेनोरिटा की टीम जो है क्या बोलते हैं बहुत ही आउटर में खेल रही है, मतलब डिफेंसिव, मेरे से ज्यादा डिफेंसिव खेल रही है। मुझे लगता था मैं ही ज्यादा डिफेंसिव खेलता हूँ। अंकल इधर चार्जर स्क्वाड आ गई है, टीम नंबर, टीम नंबर बंटाई के पास। अरे टीम नंबर बंटाई थोड़ी, हाँ अरे सॉरी, टीम नंबर 6 के पास से टीम 1 निकल चुकी है, लेकिन गाड़ी लेकर अभी हम उधर। रियाज अली नमस्कार, कैसे हैं? टीम 5 और टीम 6 बिफोर यू माफिया किंग और एमआरएक्स की टीम, और उनसे थोड़ी दूरी पे आरडीएक्स करेंगे। तो रियाज अली जो है क्या बोलते हैं, अगर रियाज अली को लोग जानते होंगे तो रियाज अली इस ग्रुप के सबसे शैतान बच्चे हैं। कभी आप इनके जो है, अंकल कब निकल गया, कभी आप इनके जो है क्या बोलते हैं, तो कैसे हैं आप लोग, बहुत ही शैतान हैं हम लोग। तो मैं रियाज की बात कर रहा था। कभी कभी इनके फेसबुक पे नज़र गाड़िएगा, बड़ी मस्त मस्त पोस्ट करते हैं रियाज अली साहब। मुझे लगता है इस लड़के की अगर जल्दी शादी नहीं हुई तो ये बिगड़ जाएगा। तो टेरर डे इन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं है। बहुत तेज हो रहे हो अंकल आसिम खान, हाँ बहुत तेज हो रहा हूँ। डायलॉग आ रही है, कह रही है नाती है, डायलॉग आ रही है। बहुत अच्छे हुए वो, बहुत सही पे, बहुत सही टाइम पे, बहुत अच्छी लाइन मारी। तो चिपका दिया तुमने रियाज अली का, कैसे हैं लोग के बाद तुमने ये बहुत तेज हो रहे अंकल चिपकाया, बहुत बढ़िया। टीम नंबर 10 और टीम नंबर 1 भी आमने सामने, तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं भी है उनके पास। ये एरिया अभी मार काट का अड्डा बनने वाला है, ये एरिया मार काट का अड्डा बनने वाला है। ये घर नहीं है, तबाही के घर है ये। यहाँ पे भी लाशें बिछेंगी। टीम नंबर 13 और टीम नंबर 2 में फाइट चालू हो गई। टीम नंबर 13 और टीम नंबर 2, टीम नंबर 2 में केवल एक बंदा है, पीके पवार, जो कि पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अभी भी चक्कर मार रहा है। उनके पेट ही पड़ जाए, ये क्या करे, ये करे क्या है, पूरी गाड़ी ही पानी में लेटा दिए है। अंकल वो बोट से आ रहे थे और फैंटम कास्टिंग ओपी आको फाइटिंग, फैंटम कास्टिंग ओपी। और इसी के साथ जो के बोलते हैं फैंटम की पढ़ाई करी है जो के बोलते हैं अक्कू ने। तो अक्कू फैंटम, अक्कू को शूट आउट दो इसी बात पे। फैंटम शर्मा रहे, शूट आउट नहीं देंगे। अरे फैंटम आवाज आ रही है? हाँ हाँ अंकल आ रही है, अरे कॉल आ गया था। हाँ अक्कू ने तुम्हारी तारीफ करी वो। अच्छा उसकी तारीफ नहीं लेंगे, ठीक है। आरडीएस, आरडीएस राहुल के वाले, थैंक यू तारीफ करने के, तारीफ के लिए, ठीक है। पर फ्लैक्स नहीं है क्या? फ्लैक्स नहीं, फ्लैक्स तो नहीं दिखी मेरे को, फ्लैक्स का इंतजार था, फ्लैक्स नहीं दिखी। तो आरडीएस राहुल कूद काट के जो है क्या बोलते इधर जा रहे थे, लेकिन इनको पड़ी गोली टांगों पर और ये उछल के गिर गए। ये फ्लैक्स रोहित की टीम गजब का कहर बनी पड़ी है। ये मैं कहाँ पहुँच गया, मैं किसको देख रहा था, कहाँ पहुँच गया, मैंने गलत जगह पे क्लिक कर दिया क्या? अरे मैं गलत जगह पे क्लिक कर दिया। टीम 10 और टीम 1 में फाइट हो रही है। टीम 10 और टीम 1, यहाँ पे देखना पड़ेगा। धमाकेदार फाइट कर रहे हैं, धमाकेदार फाइट बताया जा रहा है फैंटम के द्वारा। धमाकेदार हो गई क्योंकि जो क्या बोलते हैं एक टीम को नुकसान पे है। आरडीएक्स राहुल ने कहा तुम मरो जियो, मुझसे क्या लेना देना, मैं निकलता हूँ। तो ये कूदते हुए लेट रहे। एक नई ट्रिक है जो मैंने वीडियो में देखी थी, वही इन्होंने ये देखी, यही ट्रिक ये अपना रहे, बढ़िया। सर्किल बहुत छोटा हो गया है, तो सेनोरिटा की टीम आज बहुत ही डिफेंसिव खेल रही है। क्यों खेल रही मुझे पता नहीं, ये इतना डिफेंसिव खेलती नहीं है।
अंकल की पनौती से बचने के लिए शायद खेले होंगे। सरकारी ड्रॉप कौन लूटा दिखाओ ना सर जी, सरकारी ड्रॉप कौन लूटा दिखाते हैं। तो सरकारी ड्रॉप यहाँ पे दो ड्रॉप दिख रहे हैं, पहले मैं ये गिरने वाले ड्रॉप की तरफ नजर लगाता हूँ। ये ड्रॉप कुछ गिर ही रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अरे टीम 16 टीम 11 को दूर दूर से फटके देते हुए, एकदम दूर दूर से फटके, एम्पोर का शॉट देते हुए भी 6x बिफोर यू वालों को। तो यहाँ पे है जो है क्या बोलते, अरे एयर ड्रॉप, इतनी दूर से एयर ड्रॉप नहीं दिखता क्या? अभी अभी तो गिरा है, खाली कैसे हो गया? तो ए डब्ल्यू एम है सरकारी ड्रॉप में, ए डब्ल्यू एम है भाई साहब। ए डब्ल्यू एम अगर यहाँ पे मिल जाए तो भाई साहब मजे आ जाए। तो ए डब्ल्यू एम का प्रसाद बटना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस तरफ कोई टीम नहीं दिख रही है। केवल 14 नंबर की टीम आसपास है, ये लेना चाहेगी नहीं लेना चाहेगी पता नहीं। ओपन एरिया सारी टीम जिंदा है, इतने छोटे जोन 42 बंदे अलाइव हैं अभी भी। मुझे नहीं लगता कोई जो क्या बोलते कोशिश भी करेगा उसके लिए। तो अभी भी देखे तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हो यहाँ पे, ये नज़ारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे टीम नंबर 12 23 25 22 एकदम एच पे खेल रही है। इनका मौका मिले तो ये सनहॉक पे जाके खेले, यहाँ नहीं, बड़े बड़े विकेंडी पे रहे, छोटे मोटे लड़ाई होती रहती है सनोरिटा। ऐ तरीकी, आपका फेवरेट गन कौन सा है? मेरा फेवरेट गन जो है M416 है और K98। स्नाइपर में K98 है और वैसे M416 है। मेरे को AWM भी मिलती तो मैं K98 से चेंज कर लेता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे 13 नंबर की टीम 5 नंबर की। हाँ आप विकेंडी खेलते हैं? हम सारे मैच खेलते हैं बड़े बड़े विकेंडी पे। श्रिल हिपॉन के साथ जोन छोटा हो गया है, जोन ने अपना पूरा जो है क्या बोलते गुस्सा झाड़ दिया। तो अब देखते हैं सेनोरिटा कुछ करेंगी कि नहीं करेंगी। भैया ये ऐसे घूमते फिरते रहेंगे। तो ये रही सेनोरिटा की टीम। आफ्ताब एक कितना दूर से खेलोगे, कहाँ जा रहे हो बच्चा? और आफ्ताब सेनो ए पहली मेरी नजर लगी आफ्ताब को। टीम 16 और टीम 14 में फाइट हो गया। कितना किल तो किया है अंकल जी, वैभव देसाई टीम 12 आफ्ताब को बचाने की कोशिश। तो क्या मैं सेनोरिटा के लिए जो क्या बोलते हैं एक नंबर का पनौती साबित होऊंगा कि नहीं होऊंगा, देखते हैं। रिक्वेस्ट करी थी सेनोरिटा को दिखाने की। ओ सिर्फ 2% की हेल्थ से बच गई सेनोरिटा। जी जी जॉन सहबाज दास वेलकम। और सेनोरिटा पे मेरी बुरी नजर लगी। सेनोरिटा देखो, जिसने कहा था सेनोरिटा को दिखाओ, मैंने अपनी बुरी नजर से सेनोरिटा को खत्म करवा दिया। और वो लॉबी में तो यहाँ पे फाइट हो रही है। कटा जुज एएफ रेंजर अपने आप को बजाते हुए उजी का उजी। ओ लेकिन उजी नहीं चलेगी यहाँ पे, उजी नहीं चलेगी। सामने वाले के पास एआर बड़ी अच्छी थी तो उजी नहीं चलेगी। अंकल सेनोरिटा गेम में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। अब इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगान पॉल यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बस नहीं चलेगा। तो फ्लैश रोहित अचंभित अवस्था में इधर उधर भाग रहे, सामने उनको कुछ दिख नहीं रहा है। वैभव बता रहे ना सेनोरिटा को पनौती मैंने दी है, सेनोरिटा को मैंने दिखा दिया। टीम नंबर 14, टीम नंबर 14 का एक प्लेयर नॉक ले रहे पंगा। अरे रोहितवा थोड़ी देर रुक तो, मुझे किसी पे क्लिक करने दे। हाँ और इसी के साथ टीम नंबर 10 भी आ गई है। मैक्स 14 16 बहुत ही बढ़िया नाम, पता नहीं चलेगा कुछ कि क्यों रखा है, लेकिन फिर भी बेहतरीन नाम। मैच 14 16
और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अरबाज अपनी हेल्थ को समेटते हुए, बची हुई चादर में अपने आप को लपेटते हुए लगे पड़े हैं इस ठंडे मौसम में। तो टेरर डे अभी भी तक जिंदा है, इन्होंने अपना टेरर खत्म नहीं किया। अंकल टीम 25 में फाइट चालू है। टीम नंबर सिक्स वो बंटाई को लगी चोट। बंटाई जो है इस ठंडक में जो है गोली खा के लिपट गए, और जुबलीन भी शायद निपट गए। जुबलीन अभी बचे हुए हैं। और नहीं, थोड़ी सी हेल्थ है। अगर चाहे टेरर डे तो क्लियर कर सकते हैं, और क्लियर कर दिया, और एक किल और इसी के साथ बंटाई की टीम को जो क्या बोलते हैं नॉक किया। बंटाई की टीम बाहर, इस रेस से ही बाहर हो गई बंटाई की टीम। प्रिया टीम नंबर 16 पे प्रिया खेल रही है। आई डोंट नो खेल रही खेल रहा है, लेकिन प्रिया नाम है तो खेल रही ही बोलूंगा मैं। तो प्रिया यहाँ पे जो क्या बोलते हैं लालच भरी नजर से, किस नंबर टीम में, टीम 25 में एक टीम को खत्म कर दिया। तो टीम अट्रास घोष खत्म किया। ये कौन सी टीम थी, मुझे लग रहा है सेनोरिटा 13 नंबर की टीम पर फाइट। एआर मोहसान 13 नंबर खत्म। एफएमएस निंजा की टीम थी जिसने 13 नंबर को अभी भी खत्म किया। बॉर्न टू किल अभी भी जो है क्या बोलते हैं अपने आप को समेटते हुए इस मौसम में गोली लगी है। एमआरएस ऐसे ही 11 नंबर का एक बंदा टीम नंबर 5 के पास था, लेकिन वो बच के निकल गए। अब 11 नंबर का नाम लिया है तो 11 नंबर के जो है दिन बुरे चलने वाले हैं, क्योंकि जिसका नाम मैं ले लूँ वो तो बच जाता है, लेकिन जिसका नाम जो है क्या बोलते हैं ये ले ले नहीं बचता है। तो अपनी गाड़ी को पार्क करते हुए पार्किंग में डेविल बर्ड आ गए हैं, इंटर करे हैं इस कटा जो सामने इनके टीम के एक प्लेयर नॉक है बिफोर यू। पीछे से नॉक करते हुए देख नहीं रहे, उनको हवा भी नहीं लगी कि एक प्लेयर इस साइड से आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना जिसका नाम ले ले फैंटम वो दुनिया से उठ जाता है, तो यही हुआ, फैंटम ने नाम लिया और दुनिया से उठा दिया। तो प्रिया बच गई, प्रिया को बचा लिया गया। एक्सपोज रॉकी अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ टोटल 3 किल किए इन्होंने, लेकिन उजी के सामने, उजी का रेट जो है क्या बोलते हैं फायरिंग रेट गजब का, जिसके सामने जो है क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स टिक नहीं सके। मिस्टर फ्रॉड आगे बढ़ते हुए सर्किल में, दो टीमें बची हैं टीम नंबर 16 और टीम नंबर 5, तो इन्हीं टीमों में से कोई होगा जो मैच जीतेगा। रॉक भाई कौन जीतेगा, हाँ ये सवाल है कि रॉक भाई कौन जीतेगा। तो अभी जो है क्या बोलते हैं देखते टीम नंबर 25 अट्रास यार फैज, तो मेरे चांसेस जो मेरा है वो मुझे लगता है कि जो के बोलते हैं 25 नंबर की टीम जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो अभी सर्किल में आई नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। रीज़न क्या है कि मुझे इस टीम में एक जो प्लेयर है घोस्ट, उनका गेम प्ले जो है बहुत ही बेहतरीन है, और इनका जो जुगलबंदी फैज के साथ चलता है, लिस्टिक निंजा ओपी के साथ चलता है, वो भी बेहतरीन है। मैं फैंटम से पूछता हूँ, फैंटम कौन सी टीम है जो जिसको लगता है कि वो जीतेगी। रियाज अली ने कहा मतलब वो मर गया। हाँ देखो रियाज ने जो क्या बोलते एक जो है क्या बोलते पहले फैंटम से पूछ लेते, फैंटम कौन सी टीम जीतेगी अंकल अभी कह नहीं सकते। देखो मैंने 25 नंबर को वोट दे दिया, तो तुम 16 नंबर को वोट दे दो। मैं अंकल जहाँ तक है 25 की जीतने के तो अब 25 टीम नहीं बचेगी, क्योंकि हमने बोल दिया और इन्होंने बोल दिया, क्या नाम है फैंटम ने बोल दिया, तो दो मन गजब। मिस्टर फ्रॉड अकेले बचे हुए हैं, मिस्टर फ्रॉड अकेले बचे हुए हैं। और इसी के साथ जो बोलते टीम नंबर 25 जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, टीम नंबर 25 बच गई। टोटल जो है क्या बोलते टीम नंबर 25 के जो किल हैं यहाँ पे वो हैं 8, 2, 10, 6, 16 किल के साथ। और इसके साथ जो क्या बोलते इस चीज को बताएंगे फैंटम बोलिए रैंकिंग बताइए। नंबर 2 रियल मिस्टर फ्रॉड की टीम ने किए हैं 8 किल। दो नंबर की टीम ने 8 किल किए, गुड। नेक्स्ट
और टीम नंबर थ्री थर्ड पे जो आई सोल्जर रुशी की टीम ने किए हैं तीन तीन किल। किल। ठीक है, तो टीम नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। टीम नंबर फोर में जो है निंजाओ, फिर रोहित और बॉर्न टू किल, पैदाइशी किलर और एमआरएक्स, इनके जो टोटल किल हैं 6, 9, 8, 9, 10, 11, 12 किल के साथ टीम नंबर फोर में अपनी इन्होंने जगह बगैर नहीं है। टीम नंबर फाइव की तरफ चलते हैं, दो किल के साथ टीम सिक्स ने दो किल किए। टीम सात 5G जॉन, 5G जॉन क्या हुआ तुम्हें इंडी ब्रूस? 5G जॉन बेहतरीन खेल दिखाते हैं आप, लेकिन कुछ दिनों से आप जो है थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं। 5 किल के साथ 7 पोजीशन पे 5G की टीम। अब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की बात करते हैं, तो 8वीं 9वीं 10वीं में जो है मैक्सको की टीम थी और 9वीं में आयरन स्किल की टीम थी। मैक्सको की टीम ने 4 किल किए, आयरन स्किल की टीम ने 9 किल, 9वीं पोजीशन ली, कोई किल नहीं किया। 10वीं पोजीशन पे DD की टीम थी 0 किल के साथ। 11वीं पोजीशन पे जो है 6 किल के साथ जो है अभी की टीम, ए रोशन कुमार खत्म। और नहीं अभी खत्म नहीं, अभी इसके साथ जो क्या बोलते हैं एक और कराएंगे जो क्या बोलते हैं बाहुबली राउंड। तो बाहुबली राउंड देख के जाइएगा, मेरा फेवरेट बाहुबली राउंड जरूर देखिएगा। पापा आपने आप फाइनल क्यों लिखा? लाला भाई हम क्या डिस्कॉर्ड पे? तबाही तबाही ने जो क्या बोलते हैं 6 किल किए। फाइनल लिखा आपने? कोई बात नहीं, सारे मैच फाइनल ही होते हैं, लास्ट मैच है तो फाइनल ही होगा। ठीक है मैं बना रही हूँ। हाँ हाँ दो मिनट। घोस्ट विन, घोस्ट कंग्रेचुलेशन। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बस मुझे एक मिनट दीजिएगा। सारे स्क्रीनशॉट गए आपके व्हाट्सएप पे, चेक करिएगा। चला गया। एक स्क्रीनशॉट मुझे साइड और लेना पड़ेगा फोल्डर खोलने के लिए। पापा डेट तो लिखी है इसमें ना, तो आसान पड़ गया। सोलो ऑल वेपन बनाना है ना? हाँ आपने वो सेलेक्ट करा, मुझे बना दिया, भेज दीजिए, सारे भेज दीजिए। तो स्क्रीनशॉट भेज दिया, ज्वाइन करिए और ज्वाइन कर रहा हूँ। रूम आईडी बोलो अंकल। एक सेकंड, रूम आईडी में लिख देता हूँ। 70 एक मिनट बच्चा, एक मिनट रुकना। ओके अंकल, ओके। और रूम आईडी बताइएगा। 701 701 4094 4094। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है 1234 1234। थैंक यू, वेलकम अंकल। तो चलिए जो क्या बोलते हैं बाहुबली राउंड की तरफ चलते हैं। बाहुबली राउंड मेरा फेवरेट राउंड है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सर फैंटम आप भी खेलोगे? ठीक है, केवल मैं देखूंगा फैंटम को। मैं देखे फैंटम को पहले, सबसे पहले कौन मारता है? तो मैं आप लोगों को फैंटम की जगह बता दूंगा, आपको सिर्फ मारना है। हमने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ सुना तो नहीं? कल ये चीटिंग है। अच्छा सुन लिया क्या तुमने? उसने माइक पे बोला तो। हे रेडन वेलकम, रेडन ज्वाइन करो। ठीक है ग्रुप में डाल देता हूँ आईडी पासवर्ड, मैं एक मिनट दे रहा हूँ। ग्रुप में डाला है, इसको आगे बढ़ाओ। अंकल इंसिडेंट कैसे ज्वाइन हो? एक्स कर लिया नेम को भी अब। मम्मी ये देखिए। अच्छा तुमने एक्स कर लिया, अच्छा ये हो तुम, तो ये है रेडन। ओर्ची, ओर्ची नाम रखा तुमने?
अरे वाह, उर्ची का तो एक्स जो है क्या बोलते हैं, बहुत ही रफ खेलते हैं। तो आज देखने को मिले, अंकल आप कब खेलोगे, आप भी खेलो। नहीं, मैं अपनी टीम के साथ खेलूंगा इसके बाद। देखो मैं खेलूंगा ना, अगर मैं बीच में किसी ने मुझे टपका दिया तो उसी समय स्ट्रीम बंद हो जाएगी, ये बात बता दो। तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि बाहुबली कौन बनेगा। नेक्स्ट मैच पक्का? नेक्स्ट मैच नहीं पक्का नहीं, अभी खाना भी खाऊंगा अरसलान, खाना भी खाना होता है मेरे भाई। तो 9 लोग देख रहे हैं, 9 लोग जो है क्या बोलते हैं, कृपया करके 10-10 वाला घंटा बजा दीजिएगा, लाइक वाला। मुझे बस एक ही चीज़ पसंद आता है, मैं जो सुबह देखता हूँ ना उठ के लाइक कितने हुए हैं, मुझे वही देख के मुझे खुशी हो जाती है, पूरी जो है थकान जो है ख़त्म हो जाती है, इतने लोगों ने पसंद किया, मेरे लिए वही जो है कमाई है जिसको कह सकते हैं, बजा दिया। अतुल रॉक्स, अतुल ने जो है जैसा नाम वैसा काम, रॉक्स ने जो क्या बोलते हैं वो घंटी बजा दी, धन्यवाद अतुल। तो अतुल कौन से नंबर पे हो आप? टीम 15LX AR लोन बोल। नहीं मैं पबजी नहीं खेलता। अरे क्या बात है अतुल, आप पबजी नहीं खेलते, गुड। तो आप किस तरह के गेम खेलना पसंद करते हैं अतुल जी? वैसे मैं भी बैटल रॉयल कम ही खेलता हूँ, जल्दी जल्दी लाइक करो, मैं भी बैटल रॉयल कम खेलता हूँ, जितने भी बैटल रॉयल मैं दूर ही हटता हूँ, मुझे जो है सर्वाइवल गेम ज़्यादा पसंद है, उसमें ज़्यादा मजा आती है, पबजी जैसे ही पर असली में। अतुल जी पबजी जैसा ही पर असली में, ओ गजब, यानी कि आप जो क्या बोलते कहीं आप फौज वगैरह में तो नहीं है? हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो फैंटम। 2 बजे तक स्टार्ट करना अंकल? बस 2 मिनट और रुको अंकल, फ्री फायर का टूर्नामेंट करो ना। हाँ सही पकड़े हैं, हाँ मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है जिन्होंने ये लाइन बोली थी और बाद में वो फौज के निकले। तो अतुल जी आपको सलूट है, आप देश के लिए खेल रहे हैं, ये तो जो क्या बोलते बच्चों का काम है, आप लोगों के काम के आगे, तो सलूट यू अतुल जी। भाभी जी हाँ सही पकड़े हैं, तो आप जो है क्या बोलते हैं नाटक वाटक भी देखते हैं? तो फैंटम तुमने नाटक वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो, या गेम ही खेलते रहते बच्चा? नहीं देखते, नहीं देखते। अरे मैं फौज में नहीं हूँ पर जाना है फौज में। अच्छा आप फौज में नहीं है लेकिन जाना है फौज में, गुड गुड लक मेरी तरफ से अतुल, मेरी तरफ से जो है क्या बोलते बहुत ज्यादा गुड लक आपको, कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो और आप फौज में जाए। मेरी भी इच्छा थी बचपन में इंस्पेक्टर बनने की लेकिन पूरी नहीं हुई और इंजीनियर बन के रह गया। तो ओनली 1 and 2 मिनट, 60 सेकेंड और बाकी हैं, इसके बाद जो कि बोलते बाहुबली राउंड को लेके ख़त्म करेंगे आज का दिन की जो शुरुआत करी थी। आज दिन बहुत अच्छा गया, ठंडे प्रदेश में पूरा मैच खेलते खेलते जो आनंद उठाया हम लोगों ने और बहुत अच्छे किल देखने को मिले, बहुत ही अच्छे लोगों को हमने और फैंटम ने पनौती लगाई, नाश करा उन लोगों का, नाश करा हम लोगों ने। फैंटम कौन है? फैंटम प्लेयर है एक जो है क्या बोलते जो टूर्नामेंट खेलती हैं, लेकिन जो है क्या बोलते जब वो टूर्नामेंट नहीं खेलती तो कमेंट्री भी करती है। तो फैंटम जी शुरू किया जाए, 17 बहुत है मैच देखने के लिए, तो ये मैच शुरू। फैंटम तुम खेल रहे हो या फिर तुम स्पेक्टेट में हो? खेल रही हूँ। खेल रही हो ना, चलो ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ फैंटम को। अगर वो डिस्कनेक्ट करके जाऊँ कि माइक बंद करके बैठो? नहीं नहीं तुम चिल्लाओ, तुम जो है रहो, कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई जो है ये नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना,
तो फैंटम को दिखाते हैं यहाँ पे, कहाँ है फैंटम? शेन और रीटा भी है, दिखाई है, मुझे खेलने नहीं आता। तो पहले नंबर में फैंटम है, तो ये रहे फैंटम। इन्होंने कोई जो है जानवर उन्होंने मार के जो है उसका कपड़ा उपड़ा बना लिया है। तो मैं पनौती लगा रहा हूँ तुम पे फैंटम, सबसे पहले तुम ही निपटोगे। हाँ अंकल बिल्कुल। और फैंटम के पास जो है करीब करीब जो है क्या बोलते हैं 10 लोग उतरे। फैंटम की दिल की धड़कन बढ़ने वाली है, बढ़ गई। दस लोग उतरे हैं फैंटम के पास, फैंटम का दिल का धड़कन बढ़ते हुए। हे आसफिया बैग मिर्जा, थैंक यू मिर्जा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकल के मुहाने में, अंकल के दरवाजे पे और अंकल के घर पे आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। तो ये है फैंटम, जो क्या बोलते हैं जिनको जहाँ मिले वहीं पे ख़त्म करिए इनको। मेरी पनौती कैसी है? हाँ, और फैंटम अभी घर में घुस रही हैं, दूसरे कमरे में गई हैं और ये सीढ़ी पे चढ़ रही हैं। मैं पूरा लाइव सीन आपको बता रहा हूँ, छुप गई हैं ये। हाँ, आज मैं एक एक को पिटवाऊंगा। फैंटम अपनी पूरी जो क्या बोलते हैं, फैंटम के सामने एक बंदा, फैंटम की दिल की धड़कन तेज, दो दो है फैंटम के दिल की धड़कन तेज। आईडी पास हटाओ ना। अरे अरसलान, ये बता दिया तुमने, बहुत अच्छा किया। बता ये भुलक्कड़ वाली आदत मेरी पता नहीं कब जाएगी, आईडी पास हटाने को। तो ये रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद अरसलान बताने के लिए। इस बुढ़ापे में जो क्या बोलते याददाश्त थोड़ी सी चली जाती कि हमने शुरुआत क्या किया था और एंड क्या करना है, वो मैं भूल गया था, तो बता दिया। और फैंटम एक घर से दूसरे घर में जंप लगाती हुई, सैनोरिटा, सैनोरिटा को नज़र लगानी चाहिए। सैनोरिटा यहाँ पे है, सैनोरिटा के सामने एक बंदा पूरी घात लगा के सैनोरिटा बैठी हुई है। अरे अंकल कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, रियाज अली ने बोला हम समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं रियाज अली, तुम जिस तरह के जो मैसेज करते हो ना, मैं कमेंट तो नहीं करता बच्चा तुम्हारे मैसेज पे, बहुत ही बदमाश कंपनी के जो है क्या बोलते रियाज अली। ये ऐसे लोग हैं जिनके 10,000 बार दिल टूटते हैं फिर जाके मैसेज करना शुरू करते हैं। तो सेनोरिटा सामने एक ही घर में कूदम कादी मचा रखी है, समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्ट जाए कि राइट जाए। और प्रणाम कर रहे हैं सेनोरिटा, खुश रहो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, चलो मार कुटाई करो। और सामने सामने जो क्या बोलते एक प्लेयर घायल, कोई नहीं। और यहाँ छत पे जो क्या बोलते नाश, सर्वनाश हुआ यहाँ पे। वाइल्ड कैट फाइट करते हुए, ओ वाइल्ड कैट का नाम लिया, वाइल्ड कैट गायब। भाई मैं जिसको नाम लूँ वो काहे मर जाते हो, थोड़ी सी इज्जत रखो अंकल की। फैंटम जिंदा हो कि निकल पड़े? अंकल आपने बोला और मैं मर गई। हाँ तो मेरी मनुष्यत काम आई फैंटम के लिए, फैंटम निकल गई। बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा प्रदर्शन। मैंने कहा था तुम्हारे अगल बगल 10 लोग हैं, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तुमको मैंने हिंट दिया था। और बहुत ही अच्छा नेट, सुंदर एमआरएस लवर के द्वारा बहुत ही प्यारा नेट, एकदम खोपड़ी पे आके फटा, खोपड़ी के चिथाड़े उड़ा दिए बंदे के। और ये है रेडन, रेडन मैंने बोला था ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, छोटे से हैं, उम्र इनकी 10-12 के करीब है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं ये। ओपी शॉट था वो, गजब शॉट था रियाज। अरे तुमने क्या लिख के मिटा दिया, तुमने जरूर मेरी कुछ बुराई करी होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया इधर और तुमने मिटा दिया। ए आर साइको निकलते हुए, इंडी ब्रूस पूरे जोश और खरोश के साथ। और ये एक प्लेयर जो है के बोलते उतरा और पीछे पड़ेगी दो गोली, इन
एंडी ब्रूस उठक बैठक कर रहे थे एक ही जगह पे, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाए और निपट गए। ए आर पापा जी यहीं रहेंगे, मुझे पता था। ये पता पूरे मैच में देखना, अब मैं तुमको बता देता हूँ, पूरे मैच में ये यही लेटे रहेंगे और कहीं नहीं लेंगे ए आर पापा जी। हाँ तो ये देखिए कृष्णा, जिसको दिखे कृष्णा यहाँ लेटा हुआ है, अगर कोई स्नाइप करना चाहता है तो मारो इसको। अंकल सारे खेल सकता हूँ पोर्शिया गेमिंग, कैसे हो मेरे भाई? तो इसी के साथ जो है कि बोलते यार ने जो है कप, क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ लिए कि नहीं। ये कहाँ भागा जा रहा है? हाल स्टार निंजा ओपी भाई कहाँ जा रहा है तू? अच्छा चला सर्किल में जाने की कोशिश। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए जो है क्या बोलते हैं यार, अभी मैंने दिखाया यार क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ यार पापा जी भगवान को प्यारे हो गए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बहुत लेटे लेटे मार रहे थे, बहुत लेटे लेटे मार रहे थे तुम ना, देखा भगवान के डंडे में चोट आवाज नहीं होती, तुम ऐसे लेट लेट के मारो, प्रसाद मिला ना तुमको। चोरी छिपे कैसे मार रहे थे तुम? फ्लैक्स रोहित सामने से आते हुए, लेकिन सर्किल में आना उनके लिए खतरनाक। और रेडन, रेडन भी सर्किल में आ रहे हैं सारे, उनको एक गोली पड़ेगी और वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी भी नजर नहीं है ऑल स्ट्रेंथ के उस पर। और मैच का पाला चेंज हो गया, कल कौन सा मैप है भाई? सेनोरिटा कौन है स्लो गेमिंग भाई मुझे नहीं पता है, स्लो गेमिंग मुझे नहीं पता सेनोरिटा कौन है। तो और इसी के साथ रेडन, मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि रेडन जो क्या बोलते 12 साल के प्लेयर हैं, और इनके साथ मैं लास्ट सीजन में खेला था, लास्ट सीजन मेरा 1 ईयर के पहले खेला था, और बहुत ही प्यारा गेम प्ले, और 5 किल के साथ इन्होंने बाहुबली राउंड जीत लिया है। सेकेंड नंबर पर आल स्टिंग निंजा 4 किल के साथ, फ्लैक्स रोहित 0 किल के साथ, MRS लेवल 2 किल के साथ, AR लोन वुल्फ 1 किल के साथ। क्या बोलते हैं अंकल सब बढ़िया? जायद लखानी एकदम बढ़िया, मस्त एकदम रॉक चिक है मेरे भाई। यार पापा जी यार, अरे तुम कृष्णा तुम लेटे लेटे एक ठू नहीं मारे, नाक कटा दिए तुम रे साइको। 2 किल के साथ, हाँ फायज 1 किल के साथ, बॉन्डो किल 1 के साथ, और इसी के साथ जो के बोलते ये बाहुबली रन अपने पुराने दौर में वापस। तो ये स्क्रीन शॉट में भेज दे रहा हूँ कृष्णा, इसको शेयर कर देना। मैं कौन मनीष, वेलकम। तो इसी के साथ इस दिन का जो है, मैं कस्टम कैसे आऊँ पोर्शे गेमिंग में बता देता हूँ आपके जितने भी दोस्त हैं, मैं जाते समय ये चीज़ जो है क्या बोलते हैं आपकी पूरी टीम को बता देता हूँ कि हम कस्टम कैसे कराते हैं। तो कस्टम कराने का हमने जो अभी साधन रखा है, 2 साधन रखा है, एक रखा है व्हाट्सअप और दूसरा रखा है हमने जो क्या बोलते हैं डिस्कॉर्ड। व्हाट्सअप में जुड़ने के लिए ये व्हाट्सअप का लिंक है, यहाँ पर जाइए, अपनी टीम का नाम दीजिए, और जो है डिस्क्रिप्शन में भी आप पहला वाला जो ग्रुप है AR टीम का, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपनी टीम का नाम दीजिए, नया नाम देने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे, और आपको जो है क्या बोलते हैं वहाँ पर डेली जिस दिन आपको खेलना है वहाँ पे अपने टीम का नाम दे दीजिए। रजिस्टर हम ओपन करते हैं, रजिस्टर हम क्लोज करते हैं, तो वहाँ पे नाम दीजिएगा, आपकी टीम रजिस्टर हो जाएगी। तो इसी के साथ जो है क्या बोलते हैं मैं चलता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिए, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, सेफ्टी, वो एक लाइन है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन ही आपको बचा सकती है। फ्री है क्या? हाँ अंकल के कस्टम में सब कुछ फ्री है, ज्वाइन करिएगा पोर्शिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी टीम के साथ आएंगे और अपनी टीम का जो है रजिस्टर कराएंगे। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। हम अंदर कोरोना बाहर, जैसा कि टोबू ने कहा कि हम अंदर कोरोना बाहर, तो इसका मतलब यही है कि जब तक जो है क्या बोलते जरूरत ना हो तो बाहर मत जाइए, खेलते रहिए और अपने परिवार